पका पका फल। गलितम, गलितम मतलब पूरी तरह से परिपक्व फल। आम का वृक्ष, आम का फल सम निवगन निगम ही, वेद ही वो आम का वृक्ष है। पका हुआ फल जो आम है वही श्रीमद् भागवत है। उतरा है, किसी ने पूछा कि पका हुआ फल यदि वृक्ष उतरता है अपने आप तो गिरता है तो वो क्या हो जाता है? खराब हो जाता, फैल जाता, बिखर जाता, खाने के लायक नहीं रहता। बोले ऐसा नहीं उतरा। बोले शिष्य प्रशिष्य तत्शिष्य ही शाखा ही, शिष्य परंपरा से यह धरती पर उतरा हुआ है, अचानक गिरा नहीं है। यदि कोई भी पदार्थ ऊपर से रुकते रुकते गिरे, रुकते रुकते गिरे तो उसमें कोई नुकसान नहीं होता। श्रीमद् भागवत भी ऐसे ही धरती पर आया। भारत की है कहानी ऋषियों की अमर वाणी, भारत की है कहानी ऋषियों की अमर और ये धन्य भारती है ऋषियों की आरती है नित नई पुरानी, है नित नई पुरानी ऋषियों की अमर वाणी, है नित नई पुरानी ऋषियों की अमर वाणी, है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी, है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी, है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी। ये ज्ञान की गंगा है साहब, ऋषियों की अमर वाणी। अमर वाणी, अमर वाणी को सुन करके अमर हो सकते हैं, यही वो अमर कथा है जिसको महादेव ने अमरनाथ गुफा में बैठकर भवानी पार्वती से एकांत में सुनाई। ये अमरवाणी सर्वप्रथम सुखदेव स्वामी जब परीक्षित से, राजर्षि परीक्षित से श्रीमद् भागवत गाथा सुनाने के लिए प्रस्तुत हुए गंगा जी के तट पर सुकताल में, तो उस समय आकाश से देवताओं की पंक्तियां लग गई, उतरने लगे आकाश से देवतागण, उतर के और हाथ में अमृत का कलश लेकर उतरे। शुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकारी कुशला सुरा, सुखदेव भगवान का वंदन किया और कहने लगे महाराज आपका वंदन। सुखदेव स्वामी ने पूछा बात क्या है? का बात यह है कि आपका जो ये यजमान है परीक्षित, राजर्षि परीक्षित, जिसके लिए आप ये भागवती ज्ञान गंगा प्रवाहित करने जा रहे हैं, उसको मृत्यु का भय है, क्योंकि आज के सातवें दिन वह मरने वाला। ऋषि समीक के पुत्र श्रृंग ऋषि के साप से
आज के सातवें दिन इसको सर्प डसेगा और यह मर जाएगा। तो इसको मृत्यु के मुख से बचाने के लिए, मृत्यु के भय से मुक्त करने के लिए आप इसे भागवत सुना रहे। इसके लिए हम स्वर्ग से अमृत लाए हैं, आप यह अमृत परीक्षित को पिला दें और परीक्षित के मृत्यु का भय समाप्त तो हो जाएगा, सारी समस्या समाप्त हो गई। सुखदेव स्वामी ने कहा, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, तो पिला दें। परीक्षित से पूछा, तुम्हारी क्या राय है? क्योंकि तुम्हारा नाम तो परीक्षित है, परीक्षित उसको कहते हैं जिसकी परीक्षा हो चुकी हो। इसकी परीक्षा तो जन्म से गर्भ में ही हो गई, भगवान के दर्शन भी हो गए इसको गर्भ में ही, तभी इसका नाम विष्णुरात पड़ा। पूछा, परीक्षित ने कहा, गुरुदेव इसमें क्या अंतर है भागवत रूपी अमृत जो आप सुनाएंगे उसमें और जो देवता लोग सुधामृत लाए स्वर्ग का, इसमें क्या फर्क है? परीक्षित ने कहा, देखो ये जो स्वर्ग का अमृत है ये तुमको दीर्घजीवी बनाएगा, युवान के युवान रहोगे, शरीर नहीं बदलेगा, एक ही शरीर रहेगा, लेकिन भागवत रूपी अमृत तुमको दिव्य जीवी बनाएगा। हाँ तुम भी यदि कुछ जानते हो तो बताओ। परीक्षित ने कहा, मैं बहुत कुछ जानता हूं इस अमृत के बारे में। क्या जानते हो? कहा, गुरुदेव सुरोच्छिष्टम नागोच्छिष्टम देह बंधन कारकम। मुझे मालूम है ये जो स्वर्ग का अमृत है ये देवताओं का जूठन है, थोड़ा थोड़ा करके सबको पिलाते हैं उसी घड़े में से, सबका जूठा ही तो है। और पाताल में कुंड में अमृत है, नाग उसमें डुबकी लगाकर स्नान भी करता है और मुंह लगाकर पीता भी, तो नागों के जूठन होने की वजह से सर्पों का कुछ विष भी इसमें मिला हुआ है। सर्प के नाग के विष के प्रभाव से इस अमृत में मादकता आ गई है, तभी तो जो इस अमृत को पीता है वह मदमस्त हो जाता है और स्वर्ग में जाकर भगवान को ही भूल जाता है और वहां जाकर के वहां अप्सराओं का नृत्य देखता है, संगीत सुनता है, मौज करता है, कोई भगवान को याद नहीं करता। और जब फिर कोई राक्षस वहां जाता है और मार मार के वहां से खदेड़ कर जब भगा देता है तो मरता तो है नहीं, अमर अमृत पिया है, लेकिन चोट तो लगती है, डर के मारे सब स्वर्ग छोड़कर गुफाओं में छुप कर भागता है। तब गुफाओं में जाकर भगवान को याद करता है, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गो द्विज हितकारे जय असुरारे सिंधु सुता प्रिय कंता, गो द्विज हितकारे जय असुरारे सिंधु सुता प्रिय कंता, जय जय सुनायक जन सुखदायक प्रतपाल भगवंता। जब चोट लगती है तब यही देवता भगवान को याद करता है। केवल यही नहीं है, ये मत समझना कि आप लोग ऐसे ही याद करते हैं भगवान,
खाली देवताओं को चोट लगती तब याद करते हैं। हमारा क्या स्वभाव है? हम लोग भी तब तक भगवान को याद नहीं करते अगर चोट दुनिया की खाई ना होती तो याद तेरी प्रभु हमें आई ना होती। ये तो चोट है जो हमें आपकी याद दिला देती है। एक बिल्डर था, मकान मालिक, कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, बिल्डिंग के ऊपर, वो वहाँ ऊपर था और नीचे जो कुछ वर्कर काम कर रहे थे, मजदूर कारीगर वगैरह, उनसे कुछ उनको बात करनी थी, वो आवाज़ लगाए सुनो सुनो, नीचे वाला कोई सुने ही नहीं। फिर आवाज़ लगाया फिर भी ना सुने, बारंबार आवाज़ लगाए लेकिन बारंबार ना सुने। तब उसने सबका ध्यान खींचने के लिए अपनी जेब से एक 10 का नोट गिराया ऊपर से। ऊपर से 10 का नोट जैसे ही नीचे गिरा तो जो वहां काम कर रहा था बातों में भूला था, देखा 10 का नोट, वाह, तुरंत उठा करके जेब में रख लिया, लेकिन देखा नहीं कि नोट गिरा किधर से। उनको लगा कि वाह मेरा भाग्य कितना अच्छा है, देखो नोट मिल गया, लेकर जेब में फिर भी नहीं देखा। ठेकेदार आवाज लगाकर परेशान, सोचा इस बार बड़ा नोट देते हैं, 20 का नोट दिया। 20 का नोट भी उसने उठा लिया, वारे चतुर, उठा के जेब में रख लिया, ऊपर नहीं देखा, इधर बात तो मैं भूला रहा। इस बार उस बिल्डर ने 100 का नोट ऊपर से गिराया कि अब तो कम से कम देखेगा, बहुत ऊंचे में था। इस बार हैरान की बात, 100 का नोट भी उठा के रख लेता है लेकिन इधर उधर दुखता नहीं, सोचता हो सकता है आज मेरा भाग्य बड़ा अच्छा है, किस्मत मेरी अच्छी है, बड़ा बढ़िया बढ़िया नोट मिल रहा है। अब उसने सोचा कि अब क्या करूं, उसने एक इतना बड़ा ढेला ऊपर से गिराया। ढेला समझते हो, पत्थर, इतना सा पत्थर ऊपर से गिराया, उसके माथे में लगा खट। उसने देखा कौन है, उसने कहा कि मैं तेरा बाप हूं, ऊपर तब से चिल्लाए जा रहा हूं और तू है कि नोट बटोरने में लगा हुआ है। हमारा भी यही स्वभाव है, हम तब तक ऊपर ध्यान नहीं देते जब तक हमें ठोकरे नहीं लग जाती, वरना आनंद को बटोरने में लगे रहते हैं, हम खुशियों को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। हम सोचते रहते हैं हम सोचते काम दुनिया के कर ले, धन धाम अर्जित कर, नाम अपना कर ले। हम सोचते काम दुनिया के कर ले, धन धाम अर्जित कर, नाम अपना कर ले, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे। फिर एक दिन बन जाएंगे क्या? जिससे पूछो वह सब यही कहता है, अभी क्या है, मेरा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, सब कुछ फिनिश हो जाए, फिर तो हम भी साधु हो जाएंगे। ऐसा यदि फिनिश सबका काम हो जाता तो सचमुच में सब साधु हो जाता। ये तो बड़ी बात है कि किसी का काम फिनिश हुआ ही नहीं आज तक, इसलिए कोई साधु नहीं होता जल्दी। और आजकल तो काम इतना बढ़ गया है कि जिस अनुपात में साधु बनते थे आज उस अनुपात में भी साधु नहीं बन रहा है कोई, आजकल साधु नहीं बन रहा कोई। हम सोचते काम दुनिया के कर ले, हम सोचते काम दुनिया के कर ले, धन धाम अर्जित कर, नाम अपना कर ले। धन धाम अर्जित कर, नाम अपना कर ले, फिर
फिर एक दिन बनके फिर एक दिन बनके साधु रहेंगे फिर एक दिन बनके साधु रहेंगे उस एक दिन के भरोसे न रहना उस एक दिन के भरोसे न रहना उस एक दिन के भरोसे न रहना उस एक दिन के भरोसे न अगले क्षण के भरोसे न रहना कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना निकल जाएगी श्वास धन के भरोसे न रहना कभी श्वास धन के भरोसे न रहना न रहना कभी श्वास धन के भरोसे न रहना न रहना कभी श्वास धन के भरोसे हमारा जो मन है हमारा आपका मन मन बहुत चंचल है मन एक क्षण में योगी बन जाता कभी ध्यानी बन जाता कभी ज्ञानी बन जाता सबको ज्ञान बांटता है ऐसा लगता है मैं तो ज्ञानी हो गया मैं तो बड़ा भक्त हो गया मैं तो बड़ा धनवान हो गया समझ में नहीं आता परिस्थिति बदलते ही अपने मन स्थिति कैसे बदल जाती एक मिनट में बदलता है एक क्षण में योगी एक क्षण में भोगी एक क्षण में योगी एक क्षण में भोगी एक पल में एक पल में ज्ञानी एक पल योगी एक पल में ज्ञानी एक पल योगी बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति है अपनी बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति है अपनी कभी अपने भरोसे रहना हो कभी अपने मन के भरोसे न रहना
भरोसे न रहना। बाकी बिहारी लाल की जो मेरा मेरा कहेंगे, तुमको जो मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वो तुम्हारे रहेंगे, जरूरी नहीं वो तुम्हारे रहेंगे। मतलब से मिल साथी, मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, सदा इस मिलन के भरोसे ओ, सदा इस मिलन के भरोसे सदा इस मिलन के भरोसे बोली माँ के बिहारी लाल की जय। हमारा मन बहुत अजीब है, क्षण क्षण बदलता है, अपना पैतरा बदलता रहता, अपना रूप बदलता है, बदलते हुए व्यक्त नहीं लगता। और ऐसे ही स्वर्ग से आए देवताओं ने सुखदेव स्वामी से कहा कि ये अमृत आप इसको पिलाइए। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव पहली बात तो ये देवताओं का जूठा है, सर्पों का जूठा है, इसको पीने से आदमी भगवान को भूलता है। दूसरी बात ये, एक ही शरीर में रहना होगा, शरीर नहीं बदलेगा, जवान ही रहेंगे, बूढ़े नहीं होंगे, देह बंधन कारक है, हम तो नहीं मरेंगे, हमारे सामने हमारे बच्चे मरेंगे, हमारे बेटे, हमारी बहुएं, हमारे पोते, हमारे पोतियां सब मरेंगे। सोचो अच्छा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा आपको इतनी लंबी आयु दे दें कि आप ना मरे लेकिन बाकी सब परिवार आपके मर जाए आपके सामने में, आपको अच्छा लगेगा? कहीं बच्चे कलयुगी हुए तब तो कुछ और भी हो सकता है। कलयुगी बच्चे बहुत खतरनाक होते हैं, वो कहेंगे क्या बात है, बुढ़ा मरता क्यों नहीं है, देखे तो कौन सी चक्की का आटा खाया है, ये फाड़ करके देखेगा, मरेगा तो नहीं, दर्द तो होगा कि नहीं। आजकल सब बच्चे वैज्ञानिक हो गए हैं, जहां कुछ अजीबोगरीब दिखा कि चिरना फाड़ना शुरू, कुछ एक्स्ट्रा दिखा कि फाड़ कर देखते हैं क्या है इसमें,
तो मरेगा नहीं, दर्द तो होगा। इसलिए कहा कि भगवान क्षमा करिए, मुझे ये नहीं, मुझे आपका वाला अमृत पिलाइए गुरुदेव, हमें क्षमा करें, विलंब क्यों कर रहे हैं। सुखदेव स्वामी को बड़ा अच्छा लगा कि देखो इतनी आतुरता है, कथा सुनने में इतनी व्यग्रता है, कहा कि विलंब क्यों, अब जल्दी सुनाइए। प्रसन्न हो गए, कहा कि देवताओं चलो निकलो यहां से, जाओ तुम्हारा यहां कोई काम नहीं है, देखा मना कर दिया परीक्षित ने, जाओ। किसी ने पूछा कि उन देवताओं को भी कथा सुनने देते तो क्या हो जाता, भाई कथा में कोई किसी को मना क्यों करेगा, कोई सुनना चाहता है तो बैठ के सुने, फिर मना क्यों किया। दरअसल देवता ऐसे बैठ के सुनते तो कोई बात नहीं थी जैसे आप बैठ के सुन रहे, बोले कि नहीं कथा यहां नहीं चलेगी, कथा हमारे घर पर चलेगी, चलिए अमरावती, अमरावती में हमारे गांव में हमारे घर में यानी स्वर्ग में वहां कथा करिए, हम सब वहीं बैठ के सुनेंगे। तब सुखदेव स्वामी ने कहा ये सब आराम परस्त लोग हैं, ये कथा के असली श्रोता नहीं। हाँ, सुविधाओं को खोजने वाला साधना कैसे करेगा, ये तो पहले कह रहा है, यहां नहीं सुने, यहां बहुत कष्ट है, वहां चलिए स्वर्ग में जहां हवा अच्छी है, एयर कंडीशन है। साधना करिए तब इसका फल मिलेगा, तप करिए तब फल मिलेगा। सहेंगे शीतोष्णादि द्वंद सहिष्णु तम तप, सहना ही तप है। बैठे बैठे पैर में दर्द हो जाता है, फिर भी आप मन को शरीर से अलग करके कथा में लगाते हैं। ये 3 घंटे आप एक आसन पर बैठ जा रहे हैं, ये चमत्कार नहीं तो और क्या है बताओ। ऐसे आप घर में 3 घंटे बैठ लेंगे एक आसन पे, लेकिन आप यहां 3 घंटे एक आसन पर बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ किसी से बातचीत किए भी, एक अलग हट करके कोई चिंता फिक्र को सबसे दूर हो करके आप मन को लगाए हुए भगवान में, कितनी ऊंची बात है। अब देवताओं को तो सुखदेव स्वामी ने हटा दिया, कथा आरंभ किया है। कौन सी कथा, जो कथा प्रारंभ में चली, सुखदेव स्वामी ने कहा परीक्षित से कि परीक्षित सुनो, जो तुमने प्रश्न किए हैं ना, यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से किए, यही प्रश्न विदुर जी ने मैत्री से किए, यही प्रश्न शौनक जी ने श्री सूत जी महाराज से किए। तो लगभग प्रश्न यदि सबका एक जैसा है तो अवश्य ही उसका उत्तर कल्याणकारी होगा। जो प्रश्न सबके मन में हो, जिसके उत्तर की उत्कंठा सबके मन में हो, अवश्य ही वह उत्तर सबके लिए कल्याणकारी होगा। क्या क्या सुनाइए, वो घटना क्या है। बोले देखो, भारत में एक भूमि है नैमिषारण्य, जहां जाकर के ब्रह्मा जी के द्वारा प्रदत्त वो मानस चक्र की नेमी शीर्ण हुई, नाम पड़ गया नैमिषारण्य, उस अरण्य को नैमिषारण्य कहते हैं। लखनऊ के पास उत्तर प्रदेश में गोमती नदी के तट पर यह नैमिषारण्य भारत का सबसे प्राचीन तीर्थ है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत शारद श्रुति गाता। इतना पवित्र है कि
कि सरस्वती अपने कंठ से इस भूमि की महिमा गाती है। इतना पवित्र है कि वेद भी जिसका नाम गायन करता है। यहीं पर स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने तप किया था सर्वप्रथम। यहीं पर वाल्मीकि मुनि के शिष्य भरद्वाज और भरद्वाज के शिष्य शौनक जी ने तप किया। ये वो भूमि है। ऋषि शौनक 88,000 ऋषियों के साथ में गोमती नदी ना तट पर बैठ करके श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहते हैं और वहीं भद्र वेदी पर उच्च सिंहासन पर उग्र सर्वा श्री सूत जी को पधराया है, पूजन किया है और वंदन करने के बाद ये प्रश्न रखा है, पूछा है कि श्रीमद् भागवत का शुभारंभ कैसे हुआ, कहां से हुआ, किसने किया, भगवान के अवतार कितने हैं आदि आदि। भागवत की महिमा क्या है? तब श्री सूत जी महाराज एक दृष्टांत कहते हैं कि देखिए, एक बार देवऋषि नारद पृथ्वी पर भ्रमण करते करते घूमते घूमते वृंदावन पधारे। वृंदावन तो धन्य है, क्यों? धन्यम वृंदावनम येन भक्तिर नित्यति यत्र, जहां भक्ति नाचती है, नृत्य करती है, वृंदावन। नारद जी वृंदावन गए, लेकिन वहां क्या देखा? तत्राश्चर्यम मया दृष्टम, एक आश्चर्य, एका तु तरुणी तत्र, एक वहां स्त्री, युवती स्त्री थी, बाकी 10-5 स्त्रियां उनकी सेवा में लगी थी, उनके 2 पुत्र, बूढ़े बूढ़े पुत्र उनकी गोद में सोए थे। निशन्ना खिन्न मानसा, वो जो स्त्री थी अत्यंत दुखी थी। वो कहती थी कि मेरा दुख कैसे दूर होगा। नारद जी जब निकट गए, देखा कि खाली महिलाएं हैं, लौटने लगे तो उस स्त्री ने पुकारा कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, मच्चिन्तामपिनाशय, दर्शनम तब लोकस्य सर्वथाघहरम परम। हे महात्मन, जरा रुकिए, ठहरिए, आपके दर्शन से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। हाँ, अंतर निर्मल थाई जाए संतो न संग में। हाँ? लोढ़ू कंचन थाई जाए संतो न संग में। क्या बात है? हाँ? अंतर निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, सारे पाप ताप जीवन के संताप मिट जाते। रुकिए, थोड़ा रुकिए। नारद जी रुके, कोई बुला रही है, निकट गए। क्वासी तुम, हे देवी तुम कौन हो? ये दोनों कौन है, पद्मलोचना, ये दोनों कौन है जो सो रहे हैं? कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता, इमो मे तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो, काल योगे नजर जरो। बाबा, मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों मेरे बच्चे, मेरे लाल हैं, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। देखिए काल का क्या चक्र है मेरे, मैं जवान, मेरे बच्चे बूढ़े, घटते जरठा मात्रा। बूढ़ी माता हो, जवान पुत्र हो तो अच्छा लगता है,
लेकिन ये क्या माँ बूढ़ी बच्चे, माँ जवान बच्चे बूढ़े, ये तो अच्छा नहीं लगता। कृपा करके आप हमें, ठीक है मैं उपाय करता हूं। नारद जी ने उपाय किया, वेद वेदांत घोषेश्च, वेद वेदांत सुनाया, गीता पाठ सुनाया, उपनिषद के मंत्र सुनाए, लेकिन फिर भी जगे नहीं, उठे नहीं, थोड़ा होश में आए फिर बेहोश। कान में जाकर कहे रे ज्ञानम प्रबुद्धताम वैराग्य प्रबुद्धताम, जगिए, ये सोने का समय नहीं है, उठिए, लेकिन उठा नहीं, जगा नहीं, ऊंगी रहा, सोया रहा। नारद जी चिंतित हो गए, तभी आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदैवाभूत, मार्षे खिद्यतामिति, हे ऋषि चिंता मत करिए, इसके लिए आप सत्कर्म करिए, संतों से सत्कर्म मिलेगा। नारद जी ने सोचा ये आकाशवाणी भी लटपटा करके बोल दिया, सत्कर्म संतों से मिलेगा, नाम तो बताया नहीं, कौन से महात्मा के पास जाऊं, नाम बताते तो चला जाता। अब आश्रम आश्रम में जा जा करके नारद जी पूछने लगे कि महाराज सत्कर्म क्या होता है। लोग पहले पूरी बातें सुन लेते, कहते भाई ये तो बड़ा अजीब सा प्रश्न है, कुछ लोग तो अपने दरवाजा बंद कर देते हैं आश्रम का, बोलते बाबा नारद आएंगे अंदर मत आने देना, कहना कि गुरु महाराज मौन में है। कुछ लोग कहते कि कह देना कि बाबा घर में नहीं आश्रम में नहीं बाहर गए, कोई बतावे ना, लोग समझे कि जो जिस प्रश्न का उत्तर नारद जी को नहीं मिल रहा हमको कहां से मिलेगा, इसीलिए कोई बतावे ना। नारद जी बेचारे परेशान परेशान घूमते 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 बद्री का आश्रम में गए, बद्रीनाथ, यहां से बद्रीनाथ भी जाना है, क्योंकि ये द्वार है ना, द्वार पे आए हैं तो ऊपर भी जाएंगे, दर्शन भी करेंगे। जिन लोगों को जाना हो पहले ही संपर्क कर लेना, बता देना यहां अधिकारी को कि भाई हमें जावानू छे, कह देना, जल्दी बता देंगे तो सब बुकिंग हो जाती है पहले से, यहाँ का पहले पता होता कि आप इतनी संख्या में आने वाले हैं तो यहाँ भी बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाती, अब यहाँ जगह की बहुत कमी हो गई है, पहले 200 की बात थी फिर 250 हो गए, अब 300 से ऊपर जा रहा है, तो व्यवस्थापक बेचारे रातों रात परिश्रम कर रहे हैं, नारायण भाई वीरू भाई रात दिन लगे, किरण भाई सब खूब परिश्रम कर रहे हैं आपके लिए, तो देखो एडजस्ट करना, क्योंकि सूचना आपकी पहले से नहीं थी, इसलिए मेरा कहना यह है आप पहले से प्लान करिए, पहले से करने से व्यवस्थापक को व्यवस्था करने में दिक्कत नहीं होती, और कोई बात नहीं, आपसे बहुत प्रेम है, इसलिए आप जिसको जाना हो अभी कह देना कि हमको जाना है ऊपर, सारी जानकारी ले लेना पहले से, उस समय आप कहेंगे कि हम भी जाएंगे हम भी जाएंगे, तब नहीं सुनने वाला कोई आपका सुनेगा नहीं। हाँ, व्यवस्थित होना चाहिए, हर चीज है लेकिन व्यवस्थित हो तो और भी आनंद आता है। वीरू भाई तो कह रहे हैं कि हर साल एक कथा यहां पर नक्की कर दो, हर वर्ष एक कथा यहां, लेकिन आप अपनी सूचना तो पहले ही करा देना कि हमारी सूचना रख ही लो व्यवस्था, अभी सब विचार होना है। आज तो मैं बता रहा था
कि नारद जी जब बद्रीनाथ पहुंचे तो वहां सनकादियों से इनकी मुलाकात हो गई। नारद जी से देखा, बड़े प्रसन्न हुए, मिले, बोले महाराज क्या बात है, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं, इतने उदास क्यों हैं? कहा मेरी चिंता का कारण है पृथ्वी पर एक दृश्य, वो भक्ति वाली घटना सुनाई। मैंने वचन दिया है भक्ति माता को कि हे माते, यदि कलयुग में मैं आपको घर घर में स्थापित नहीं करा दिया तो मैं भगवान का दूत नहीं कहलाऊं। घर घर में स्थापित करना ये प्रतिज्ञा है नारद जी की, और मैं वो अभी तक भक्ति के पुत्रों को जीवंत नहीं कर सका, इसी चिंता में व्याकुल। सनकादियों ने कहा कि चिंता न करें भाई साहब, ये तो बहुत आसान काम है। क्या? बोले इसके लिए आपको श्रीमद् भागवत का आयोजन करना चाहिए। भागवत से क्या होगा? मैंने भागवत का मूल तो वेद है, हमने वेद का पाठ किया है, ऋचाओं को सुनाया है, उपनिषद सब सुनाया। बोले सुनाए होंगे आप, एक बात बताओ, आम कितना मीठा है कि नहीं? सबको पसंद भी है कि नहीं? पसंद है सबको। तो आम यदि इतना मीठा है तो आम का पत्ता भी मीठा होगा, आम का वृक्ष भी मीठा होगा। तो कोई आम का पत्ता खा के देख लेना, पत्ता समझते हो पत्र, उसकी छाल, उसकी जड़ खा के पी के देख लेना मीठा लगता है कि नहीं, लगता है क्या? नहीं लगता। चीनी से जो काम होता है वो गन्ने से हो जाएगा? नहीं होगा। दूध में ही मक्खन होता, दूध में ही घी होता है, लेकिन घी से पूरी छानते हैं, छानते हैं ना, तो दूध से छान लेना, वो काम नहीं हो सकता जो घी से होता है। चीनी से जो काम होता है गन्ने से नहीं होगा, गन्ने से ही तो बनती है चीनी। उसी तरह से जो आनंद आम के फल में है वो आनंद आम के वृक्ष में नहीं है, ठीक ऐसे ही जो आनंद, जो सुख, जो रस, जो ज्ञान भक्ति और वैराग्य श्रीमद् भागवत में है वह वेद में वो रस नहीं मिलेगा। निकला समझ से परे है। ठीक है महाराज, मैं मानता हूं। कैसे होगा? बोले आप आयोजन करिए भागवत का। कहां करें? बोले देखिए, मैं हम सब नीचे उतरेंगे बद्रीनाथ से, और उनको भी लेकर आइए हरिद्वार में, यह आयोजन हो श्रीमद् भागवत का, वो आयोजन जहां भक्ति ज्ञान और वैराग्य को भी ऊर्जा मिली है, वह स्थान हरिद्वार ही है। जहां हम लोग बैठे हैं आज, यही वो धरा है, पावन धरा, जहां भक्ति को भी ऊर्जा मिली है, ज्ञान और वैराग्य भी जीवंत हो उठे, वो भी ऐसे नहीं चुपचाप जैसे आप बैठे हैं, ऐसे बैठने से नहीं होता, जयकारा लगाने से भक्ति और ज्ञान वैराग्य वर्धित होते हैं। इसलिए जयकारा तो पानी पी पी कर लगाना, इसका मतलब नहीं कि अब कथा के बीच में पानी शुरू कर दो, पानी नहीं मिलने वाला। बोलो भागवत भगवान की। आनंद नहीं आया, वैसा जयकारा नहीं लगाया, पहले वाली आवाज थी, आप बताना पहले वाली थी नहीं थी। भागवत का आयोजन यहां रखा हरिद्वार में, नारद जी यजमान बन गए। तो जो यजमान के लिए दीक्षित होता है वह इधर उधर नहीं जाता, उसका कुछ नियम होता है कि भाई जमीन पर सोना है,
एक वक्त का भोजन करना है और निंदा चुगली नहीं करना, मौन रहना। मौन रहने से चुगली छूट जाएगी, निंदा शिकायत छूट जाएगी। कथा सुनना, मौन रहना और मंत्र का अधिक से अधिक जप करना। यदि 32 अक्षरों वाला आपका मंत्र है, यदि आपका मंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण ये महामंत्र है, तो 16 माला रोज करना। और यदि आपका पंचाक्षरी मंत्र है तो 50 माला रोज करना। हाँ, सामड़ी लो सबे, छोटा से छोटा हो तो उसकी माला की संख्या बढ़ा देना। यहां बैठकर ये काम जरूर करना, और कोई काम हो अथवा ना हो, ये काम होना चाहिए। एक नियम ले लें, हम सवेरे जल्दी उठकर गंगा में स्नान करना नित्य प्रति, और वहीं बैठ के अपनी माला पूरी कर लेना। इधर आने की प्रतीक्षा नहीं करना। अधिक से अधिक भजन हो, अधिक से अधिक भक्ति हो। अब देखो, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। रहोगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। पाप कम होना चाहिए, तीर्थों में तीर्थ में आकर पाप नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, ये निश्चित करके रखना। क्योंकि तीर्थों में पुण्य, एक माला करेंगे तो 100 माला का फल मिलता है, पुण्य यहां 100 गुना बढ़ता है तो पाप भी यहां 100 गुना बढ़ता है। इसलिए पाप करेंगे तो वह भी वज्र की तरह हो जाएगा, छूटने वाला नहीं है। और यदि आप किसी की सेवा कर देंगे तो वह 1000 गुना पुण्य देने वाला है। इसलिए सेवा का ध्यान रखना, स्वच्छता का ध्यान रखना, साफ सफाई पर ध्यान रखना। जो भी आप खाए पिए, कचड़ों को कचड़े दान में, कूड़े दान में रखें। अपने से कोई, खुद से कोई गंदगी ना हो। एक सेवा ये कि खुद से कोई गंदगी ना हो, खुद किसी की सेवा ना लें, यह आपकी बड़ी सेवा है। दूसरे की सेवा बन पाए तो करना, लेकिन कम से कम खुद किसी से सेवा लेने की चेष्टा नहीं करना। तो आपको लाभ मिलेगा ना, तो आपको लाभ मिलेगा। नारद जी भजन करने लगे, भृगु उनके बड़े भाई, सब जगह जगह जाकर निमंत्रण देकर आए कि मेरे भैया कथा करा रहे हैं, आप चलना आप चलना। सबको जा जा करके भृगुर वशिष्ठ च्यवनस गौतम मेघातिथि देवल देवराता, इतने सारे ऋषि उनके भाई सब गए, और सभी को जहां जहां उनका संबंध था, सब ऋषियों को, संतों को, गृहस्थों को, भक्तों को बुला बुला कर लाए, आग्रह पूर्वक लाए। लाना चाहिए, जैसे आज आपने भी पूरे परिवार को बुला बुला कर यहां लाया है। सब हरिद्वार पधारे, सबने आसन ग्रहण किया, और कथा का जब शुभारंभ होता है
नाम संकीर्तन होता है, और उस नाम संकीर्तन में जब जय घोष लगता है तो जय घोष इतना पावर में था, इतना स्वर में था कि वह जय घोष उद्घोष बन गया। और वह जय घोष कहाँ पहुंचा? वृंदावन पहुंच गया, जहां भक्ति ज्ञान वैराग्य पड़े हुए थे। ज्ञान वैराग्य के कान में जब भागवत भगवान का जयकारा गूंजता है, उठकर बैठ जाते, कहते माँ ये आवाज कहाँ से आ रही है? माँ ने कहा ये की जय भक्ति महारानी की, जय सनकादिक ऋषियों की जय हो। आश्चर्यमेकं समभूत तदानीं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आश्चर्यमेकं समभूत तदानीं, आश्चर्यमेकं समभूत तदानीं, तदुच्यते संशौनकत्वम्। सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा, सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा, प्रेमैक रूपा सहसा विराजे, प्रेमैक रूपा सहसा विराजे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नामानि वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नामानि वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे भागवत भगवान की जय हो। भक्ति भा नृत्य करने लगी प्रांगण में। पूछा है मैं कहां बैठूं? लोगों ने पूछा अरे देवी आप कौन हैं? कहा कि मैं भक्ति हूं, ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य है। भागवत भगवान की महिमा से भवद्भिरद्येव कृतास्मि पुष्टा, कलि प्रनष्टापि कथा रसेन। भैया हम तो नष्ट हो गए थे, लेकिन आज ही आप लोगों ने जय हो जय हो जय हो करके हमें हृष्ट पुष्ट कर दिया, फिर से जवान बना दिया है। हम आपका आभार प्रकट करते हैं, कृपा पूर्वक बताइए हम निवास कहां करें, आसन ग्रहण कहां करें। सनकादियों ने सुना कि अरे भक्ति महारानी पूछ रही है कि मैं कहां बैठूं। प्रणाम माते, आप हमारे इन श्रोताओं के हृदय में बैठ जाइए,
बोलो भक्त वत्सल भगवान जय हो। आहा हा हा। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसत हृदयेशा श्री हरेर भक्ति रेका हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेसाम भक्ति सूत्रोपनद्ध। कहते हैं हे माँ, वह व्यक्ति वह पुरुष निर्धन होने पर भी गरीब होए छतापन वह व्यक्ति सबसे बड़ा धनवान है जिसके हृदय में भक्ति का निवास है, जिसके दिल में भक्ति है। भक्ति किसे कहते हैं आपको मालूम है? नहीं मालूम? सुखे वाय भक्ति सात्वस्मिन परम प्रेम रूपा। वह तो प्रेम रूपा भक्ति है। भक्ति अटले सु प्रेम, भक्ति का मतलब है प्रेम। जिसके अंदर प्रेम है ना साहब, वो फकीर भी सबसे बड़ा दुनिया का अमीर है, फकीर नहीं रहता। हाँ, फकीर है तो क्या हुआ? मुझे बादल स्नान कराते हैं, मुझे बादल स्नान कराते हैं और सब पंछी गीत सुनाते हैं, सब पंछी गीत सुनाते हैं, सब वृक्ष रिश्ते नाते हैं, सब वृक्ष रिश्ते नाते हैं, सब वृक्ष रिश्ते नाते हैं। सबसे बड़ा धनवान है वो साहब। कभी रहते नंगम नंगा है, कभी रहते नंगा नंगा है, नैनों में बहते गंगा है, नैनों में बहते गंगा है, जो मिल जाए तो चंगा है, जो मिल जाए तो चंगा है, और ना मिले तो चंगा है, और ना मिले तो चंगा है, जंगल में जोगी बसता है, जंगल में जोगी बसता है, कभी रोता है कभी हंसता है, कभी रोता है कभी हंसता है, जंगल में जो भी रहता है, जंगल में जो भी बसता माते है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पी धन्या, जिसके हृदय में प्रेम रूपा भक्ति है वो व्यक्ति गरीब होते हुए भी वो सबसे अमीर है। निर्धन भी धन्य है। आप कृपा पूर्वक निरंतरम वैष्णव मानसानी आप निवास हमारे इन
भक्तों के हृदय में निवास बनाइए। सब बैठ गए, कथा आरंभ होने जा रही थी। नारद जी ने खड़े होकर के धन्यवाद ज्ञापन किया, कहा कि महाराज धन्य हो गया मैं, अद्य मे भगवान लब्धः, मैं तो कृतकृत हो गया, आज मैंने मानो भगवान प्राप्त कर लिया। क्यों मालूम है? जिस उद्देश्य से, जिस लक्ष्य से कथा का आयोजन किया था, वो आयोजन तो हो गया, वो उद्देश्य पूरा हो गया। भक्ति के पुत्र को जवान बनाना था, आज तीनों युवान बन के नृत्य करते हुए यहां पधार गई है, अब तो काम पूरा हो गया। इतना नहीं हुआ, उस कथा में जब नाम संकीर्तन हुआ साहब, उसमें सारे पार्षदों के साथ भगवान पधारे। नारद जी गदगद हो गए, रोने लगे, सबके सम्मुख पूछा है के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम्। बाबा भागवत कथा से कौन कौन पवित्र होंगे जरा बता दीजिए। तब बताया है कि देखिए इस भागवत कथा से सभी पवित्र होंगे। आदमी को तो छोड़ दीजिए, प्रेत भी पावन होता है। कोई उदाहरण बोले है, एक दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के तट पर उत्तम पत्तन नगरी, पत्तन मतलब विशाखापत्तनम जो आज कहते हैं, इस नगरी में एक आत्मदेव का नाम का ब्राह्मण रहता है। घर में अच्छा खासा धन धान्य है, यजमान है, पत्नी का नाम धुंधुली है, कोई कमी नहीं है, परंतु संतान के अभाव में दुखी रहते। घर में एक गाय है, वह भी बांझ हो गई है, वो भी बच्चा नहीं देती, जन्म नहीं देती, प्रसव नहीं करती, इसलिए दुखी रहते हैं। वृक्ष जो रोपते हैं उस वृक्ष में फल नहीं आता, दुर्भाग्य इतना बढ़ गया था। आए दिन पत्नी ताने मारती मारती सुनाती रहती, सुन करके परेशान होकर के एक दिन आत्मदेव घर छोड़कर वन में चला जाता है, और वन में जाकर आत्महत्या करने के लिए एक सरोवर के तट पर जाता है। वहीं एक महात्मा सन्यासी को देखा, सन्यासी ने जलपान किया, और जो ही बाहर आए सोचा सन्यासी से मिलूं, क्योंकि सन्यासी का दर्शन शुभ होता है, शव का दर्शन शुभ होता है, गौ का दर्शन शुभ होता है, कुछ ऐसे हमारे शास्त्रों में कुछ गिनाए गए हैं, ये चीज मिल जाए तो समझना कि आपकी यात्रा मंगलमय है। मरते समय, अंतिम यात्रा के समय में हम मरने जा रहे हैं, लेकिन सन्यासी दिख गया है, जरूर ये तो भगवान का दूत है, इनके पास जाऊंगा, मेरा कल्याण हो जाएगा, धन्य है, एक कृपा की दृष्टि मेरे ऊपर कर देंगे, ये चाहे मुझे डांटें, फटकारें, मुझे मारें, तो भी मैं इनसे दूर नहीं जाऊंगा, इनके चरणों में आज माथा पटक पटक करके भले मर जाऊं। आए चरणों में प्रणाम किया, महात्मा ने आशीर्वाद दिया, क्या बात है, खुश रहो। बाबा कैसे खुश रहूं, क्यों, क्या बात है? बोले सब है आपके आशीर्वाद से, लेकिन कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं। महात्मा ने समझाया कि भाई संतान से कोई सुखी नहीं हुआ आज तक, इसलिए इस चक्कर में न रहो, भजन करो। काफी समझाने के बाद भी नहीं माना, और उसने कहा कि यदि आप मुझे पुत्र नहीं देते तो मैं यही प्राण त्याग दूंगा, और आपको आत्महत्या का पाप लगेगा, हमारी हत्या का पाप, चूंकि तुम्हारे सामने कोई सिर पटक पटक के मर रहा है, तुमने नहीं बचाया तो तुमको पाप लगेगा कि नहीं लगेगा, लगता है। अब वो सिर सचमुच में पटकने लगा, सन्यासी को दया आ गई, कहा कि भाई तो बोल, बाबा कोई संतान का आशीर्वाद। सन्यासी ने कहा वैसे तो कोई पुत्र तुम्हारे भाग्य में नहीं है,
चलो भगवान कृपा करेंगे, अपने झोली में से एक फल उठाकर दे दिया, लो पत्नी को खिला देना, और नियम से रहने के लिए कह देना। खुश होकर के नाचने लगा, संत भगवान की